नमस्कार दोस्तों। हर आदमी ईश्वर को किसी न किसी रूप में मानता है। अरे धर्म में अधिकार सबका है। किसी ने धर्म के साथ खिलवाड़ किया तो हम बार बार उसी की मिसाल क्यों दें? हम भी तो धर्म को धारण करने वाले हैं। ऐसा तो हर युग युग में होता आया है। धर्म को मिटाने के लिए कई राक्षस संतों के भेष में भी आए, जैसे आसाराम, आज राम रहीम दास। ऐसे किसी न किसी रूप में राक्षस विघ्न डालने के लिए आए ताकि धर्म नष्ट हो जाए। लेकिन हमें उन बातों को पकड़ के नहीं बैठना है। हाँ, गुणग्राही बनना है, चेतन रहकर जाना है, कई आंखें खोलकर। और अंदर जाने से पहले बाहर का रास्ता जरूर देखना है। ऐसा नहीं कि हम इन दो आदमियों के कारण गुणों को ग्रहण करना छोड़ रहे हैं। अभी है न धर्म डूबा है न धर्म के रक्षक डूबे हैं, मौजूद है। बस है कुछ पंक्तियां, कहीं तड़पते गोते खाते, कहीं जीव नित नित भर जाते, हम भी भव में बहुत दुख पाते, गुरु के घर कर होते न माथे, करुणा निधान दया के सागर, कर पासे भक्तों को करती उजागर, गुरु की महिमा है अति भारी, गा थकती लटुर जीव बेचारी। दोस्तों, गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। गुरु का असली स्वरूप निराकार है। गुरु एक पद है, गुरुर वर्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वर, गुरुर साक्षात्कार पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु है। व्यक्ति विशेष में ना उलझे। ईर्ष्या भरे जमाने में प्यार की नजर सुकून पहुंचाती, प्यार भरी निस्वार्थ बातें दिल का दर्द हर ले जाती। हे प्रभु दाते, मेरी नजरों में आपका अमृत प्यार भर दो, मीठे बोल दो जो सुख देते, लटूर जग ममता में कर दो। शरीर में ऑनलाइन चल रही है परमात्मा की, सतगुरु के वचनों को कर सेव ना किया तो दुर्गति होगी आत्मा की। परमात्मा की ऑनलाइन बंद होने से पहले हम शुभ कर्मों को सेव करें। कर्म गति से कोई ना बचा यारों, मेहर गुरुदेव करें। तेरा वजन हल्का हो जाए, तू कर प्रार्थना चरणों में, लटूर आनंद जो है समुद्र का।